कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगर टोली चौराहा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। यह न तो अब सिर्फ सवाल है और न ही सिर्फ कयास है, बल्कि जीतनराम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन अब टूट रहा है, बिखर रहा है। और शुरुआत खुद उनकी ही पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कर दी है। स्पष्ट कहा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ने पर विचार कर रही है। ये दो दिन पहले उनका दिया गया बयान है और एक बार फिर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात को दोहराया है। जाहिर है जीतनराम मांझी जब ये कहते हैं कि वे महागठबंधन से अलग होने पर विचार कर रहे हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो ये कयास भी लगने लगते हैं, ये सवाल भी उठने लगता है कि आखिर क्यों जीतनराम मांझी महागठबंधन से अलग होना चाहते हैं, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अलग लड़ना चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व से कोई दिक्कत है? क्या महागठबंधन में उनको जो हिस्सेदारी मिलती रही है उससे कोई दिक्कत है? तो हम आपको सब कुछ समझाने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में जीतनराम मांझी ने खुद ही ये खुलासा कर दिया है कि दरअसल सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं होता, सवाल मान्यता का होता है, सवाल वोटों के प्रतिशत का होता है। चूंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीटों की शेयरिंग में कम हिस्सेदारी मिलती है, 3 सीटें मिलती हैं, 2 सीटें मिलती हैं, इससे वोटों का जो प्रतिशत है उस तरह से नहीं आ पाता और मान्यता पर संकट आ जाता है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं, हमें यह राय दी गई है, सलाह दी गई है कि अकेले चुनाव लड़ें, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें ताकि वोट प्रतिशत अच्छे आए और हमें मान्यता मिल सके। तो दरअसल यह पूरा खेल मान्यता का भी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर तो जीतनराम मांझी पहले ही कहते रहे हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पर बेहद सधे शब्दों में सवाल भी उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने तब भी कहा था और अब भी कहा है कि तेजस्वी यादव को नई नई जिम्मेवारी मिली, 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे, उसके बाद हतोत्साहित हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उनको सामने आना चाहिए। तो बड़ी खबर है, बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर यह दोहराया है कि पार्टी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। हालांकि पूरी तरह इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, समर्थकों ने ये सलाह दी है और सवाल मान्यता का है, सवाल वोटों के प्रतिशत का है, हमें कम हिस्सेदारी मिलती है, अब हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए ये सलाह है जीतनराम मांझी की कि आप लौट आइए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।